गाय के गोबर से पेंट बनाने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार गोमूत्र फिनाइल अब सरकारी कार्यालयों में जो है साफ सफाई में उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात के आदेश जारी कर दिए और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने इसका स्वागत किया है। एक और जहां प्रेम सिंह पटेल जी का साफ तौर पर कहना है कि जहां एक और इस फैसले के बाद में गाय के गोमूत्र और गोबर से संबंधित उद्यमी प्रोत्साहित होंगे, तो दूसरी ओर एक और प्रदेश में पहले से ही गाय के उत्पादों से जो है बहुत सारे उपकरण बनाए जा रहे हैं, जैसे कि गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी पर भी काम चल रहा है ताकि शमशान में जो प्रदूषण हो रहा है उसको बचाया जा सके और उसका दाह संस्कार में उपयोग किया जा सके। मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अब गोमूत्र फिनाइल से ही सफाई की जाएगी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी सरकारी दफ्तरों की सफाई सिर्फ गोमूत्र से बने फिनाइल से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जीएडी दफ्तर ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी दफ्तरों में अब केमिकल युक्त फिनाइल से सफाई नहीं हो सकेगी। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, गोबर से उपले और दिए तो बनाए ही जा रहे हैं, साथ ही सरकार लकड़ी बनाने के लिए भी प्रयास कर रही है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और इस लकड़ी का प्रयोग दाह संस्कार में किया जा सके। सरकार के इस कदम से गोमूत्र फिनाइल की फैक्ट्रियां लगाने के लिए उद्यमी प्रोत्साहित होंगे, तो दूसरी ओर गाय माता सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है, इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सरकार ने इसके लिए गौशालाएँ खोली है। बचाएंगे गोमूत्र से फिनाइल की जरूरत नहीं लगेगी, मतलब सभी कार्यालयों में गोमूत्र का ही उपयोग। गोमूत्र गो माता का हर चीज काम दे रहा है, गोबर से कंडा बन रहा है, दीपक बन रहा है, गोबर से लकड़ी भी बनाना हम चालू कर रहे हैं और बन रही है। उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरा मालवा में कलेक्टर को आदेश किया है कि हर जगह जो जो सामग्री है, जो हमारा गौशाला 4,500 से ऊपर गौशाला है, उसकी हम लोग उसी क्षेत्र में कोई मनुष्य मर जाता है तो वो लकड़ी से भी हम लोग शमशान घाट पर देकर इसका उपयोग ले रहे हैं और ये काम चालू हो गया है और काम चल रहा है। हर गौ माता का गौमूत्र हो, गोबर हो, हम इसका लाभ, दूध हो, सभी प्रकार से गौ माता दे रही है उसका लाभ मध्य प्रदेश हो या भारत में पूरा, माने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम अच्छा इसका उपयोग करें। RPTV न्यूज की हर खबर पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।